हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है कि जब आप अकेले में होते हैं तब आप अपने आप से कैसे बात करें, कैसा बात करना चाहिए और उसकी वजह से क्या होने वाला है, जो वो चीज भी हम बताने वाले हैं दोस्तों आज इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे जो है कि कॉन्टेंट मिलेगी बीच में, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जो चीज जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कि अपने आप से जो बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट करता है। दोस्तों, आप अपने आप से क्या बात करते हैं? आप 24 घंटा में जो है कि 8 घंटा तो सोने में चले जाता है, फिर जो 16 घंटा बचता है, 16 घंटा में ज्यादातर जो है कि आप ना जो है कि खुद से बात करते हैं, दूसरे से जो है कि दिन भर में मात्र 10-20% बात करते हैं, उससे ज्यादा जो है कि आप जो है कि अपने आप से खुद बात करते हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम समझने का प्रयास कीजिएगा कि अपने आप से जो बातचीत करते हैं वो किस टाइप का बातचीत करते हैं, क्योंकि वो डिसीजन आपके हाथ में है कि आप देखेंगे कि हम अपने आप से क्या बातचीत करते हैं, मैं अपने आप से क्या बात करता हूँ, उसके वजह से क्या होता है मेरे लाइफ में, वो चीज आप समझेंगे, वो कि तब जाकर के जो है कि अपने आप से कैसे बात करना है, क्या बात करना है, तब जाकर जो है कि आपके अंदर जो लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। और मेरा तो एक मकसद ही है कि वो सीरी सफर के लाइफ में जितने भी प्रकार का डर है, जितने प्रकार के भी चिंता है, उससे वो ऊपर उठ जाए, उससे जो है कि आगे निकल जाए। मेरा एक यही मकसद है आप वीडियो बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो अपने आप से कैसे बात करें। दोस्तों, पहले इस बात को समझते हैं कि अभी जो है जितने भी ओसीडी सफरन है, जितने भी मानसिक समस्याएं से ग्रस्त आदमी है, वो अपने आप से क्या बात करते हैं। दोस्तों, अपने आप से ये बात करते हैं कि ये जो समस्याएं हो रही, क्यों हो रही मेरे साथ, कैसे जो है कि ठीक होंगे, ये हमें बार बार विचार क्यों आ रहे हैं, बार बार हमें जो है कि गॉड फील क्यों आ रहे हैं, बार बार जिस चीज से डर लग रहा है, ऑब्जेक्ट से जो है कि गंदगी से रिलेटेड, किसी को पीरियड से रिलेटेड, मतलब किसी को अन्य अनेक प्रकार का, जो सबको अलग अलग प्रकार का थॉट आता है, तो वो कह रहे हैं कि ये थॉट जब भी अकेले में रहते हैं तो उसमें जो है कि मतलब उसमें जाकर के फंस जाते हैं उस थॉट में, और उसमें जो उस कहानियां बनने लगता है माइंड के अंदर, एक से एक कहानियां, दूसरा कहानियां, तीसरा कहानियां, एक दूसरे से कहानी पे कहानी, वो भी निगेटिव कहानी बनने लगता है, ये बुरा हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब कहानियां बनते रहता है अपने आप से बातचीत। जब हम, क्योंकि हम भी एक ओसीडी सफरर हैं, तो हम ये लाइफ को जिए हुए हैं दोस्तों, जो क्या है कि मतलब जब हम अपने आप से रिलेट करके बताते हैं, जब हम अकेला बैठते थे तो यही सोचते रहते थे कि ये ना हो जाए, वहां गए थे ये टच हो गया, या जो है कि वहां गॉड के पास गए थे प्रणाम किए, वहां पर वो ठाउट आ गया, या जो है कि कहीं गए रास्ते में कुछ दिखाई पड़ गया, वहां का डॉट आ गया, गंदगी से रिलेटेड कुछ डॉट आ गया, वहां पर जब अकेले में बैठते थे वही सब बात याद आता था, वही सब बात जो है कि माइंड में चिंता आती थी, और उसी चीज में सोचते थे अरे यार वहां जाके फिर से देखना पड़ेगा क्या, या वहां ऐसे कैसे आ गया ठाउट, ये ठाउट, ये विचार नहीं आना चाहिए था मेरे माइंड में। तो मतलब जब हम अकेले रहते थे ना, ये फालतू सी बात जो ये सब चीज जो है कि ना करते रहते हैं, वो आप भी कर रहे होंगे अभी मेरे अंदाज से, आपके माइंड में भी चल रहा होगा दोस्तों ऐसा ऐसा ठाउट, क्योंकि ये चीज जो जब अकेले में रहते हैं ना, तो ये सब डॉट और भी परेशान करता है, और आपको क्या करता है कि आप क्या करें, जाने अनजाने में जो आप अपने आप से खुद से वही सब बात कर रहे हैं, और वो सब बात बढ़ेंगे तो और डर चिंताएं बढ़ने वाली है, और उससे बढ़ती हो, क्योंकि माइंड जो है कि माइंड को पता ही नहीं क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, माइंड का तो नेचर है आम बोलो तो आपको आम का पिक्चर दिखाई पड़ेगा, एप्पल बोलो तो एप्पल का पिक्चर दिखाई पड़ेगा, तो ये क्यों, ये जो माइंड को जो है ना मतलब पता ही नहीं है ना कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो तो आपके ऊपर जो है कि आप जो बोलेंगे माइंड वो चीज का जो है कि दिखाना चालू करता है, उस टाइप का फीलिंग आने लगता है, इमली बोलेंगे तो खट्टा का जो है कि आपका रिएक्शन आएगा, रसगुल्ला बोलेंगे तो मीठा का फीलिंग आएगा आपको, तो ये चीज जो है कौन समझाए, ये चीज जो है कि आपको खुद समझना पड़ेगा यहाँ पर जो है, क्योंकि ये माइंड का नियम है दोस्तों, तो यहाँ पर समझ गए होंगे कैसा कैसा सिचुएशन आता है। तो उसी तरह से जो है कि ना अपने आप से जो है कि जो अभी जो आप क्या कर रहे होंगे कि ये सारा चीज जो है कि अपने आप से बातचीत कर रहे होंगे, तो
मतलब कहीं ना कहीं जो है कि अपने डाउट में जो है कि डर पे जो है कि जा करके फंस जाते हैं और अपने आप दिन भर में यही चीज बात चलते रहता है। इसके कारण से क्या होता है, आप जो डर वाली जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों आप लोग को कि ये जो डर वाले विचार जो है ना, ये जो डर वाले डाउट जितने भी क्रिएट करते होंगे, नुकसान हो जाएगा, किसी चीज में टच हो गया, ये सब चीज जो आपको आता होगा, तो इसकी वजह से क्या बनता है, माइंड के अंदर इमेज बनता है दोस्तों। आप लोग देखते होंगे कहानियां बनती है कि नहीं बनती है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कहानियां बनती है कि नहीं बनती है। ये फैमिली वाले के साथ ऐसे हो जाएगा, ये करियर के साथ ऐसे हो जाएगा, ये नहीं किया तो हमारे बॉडी के साथ नुकसान हो जाएगा, ये क्या कहानियां बनती है कि नहीं बनती है। 100% कहानियां बनती है यहाँ पर, एक कहानियां नहीं, एक कहानियां यहाँ, फिर उसके बाद दूसरा कहानियां, फिर तीसरा कहानियां बनना चालू हो जाता है माइंड के अंदर, और उसके साथ जुड़ी आती है फीलिंग डर। ये इधर मान लेते हैं डाउट हो गया, डाउट आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो सकता है, डर आपका इमेज, इमेज के कारण से बनता है दोस्तों फीलिंग, फीलिंग। अब यहां पर आप लोग क्या करते हैं, इस फीलिंग में जाकर के फंस जाते हैं दोस्तों, यही जो है ना अपने आप से जो बात करते हैं, बहुत सारा डर तो इस चीज से रिलेटेड बातचीत होता है आपका, डर से रिलेटेड अपने आप से बातचीत करते हैं, ये क्यों हो रहा है, ऐसे ठीक होगा, अभी ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये प्रश्न हमने क्या पाप कर दिया है जिसके कारण से हमें ये नुकसान हो रहा है, क्या किए थे जिसके कारण से हमारे साथ ये समस्याएं हो रही है, इसकी वजह से ये इमेजेस क्रिएट होता है दोस्तों। वो इमेजेज हम लोग का गॉड गिफ्टेड है, आप नहीं भी चाहेंगे जो मान रखे है वो पिक्चर आना ही आना है दोस्तों, और इसके साथ जो है कि आपका जुड़ के आता है फीलिंग। तो क्या आता है फीलिंग, यहाँ पर समझने का बात है, ये जो फीलिंग आता है जिसके कारण से आप जो है कि बार बार कंपल्सन कर लेते हैं, बार बार गॉड के पास जाकर प्रणाम कर लेते हैं, बार बार हाथ धो लेते हैं, बार बार जो है कि मतलब जाके चेकिंग कर लेते हैं, तो ये चीज करते हैं अब इसके कारण से। अब देखिए अपने आप से अब क्या बातचीत करना है दोस्तों, क्योंकि आपको जो है कि मेन चीज क्या है कि नहीं, इस चीज को खत्म करना है डर को, तो अपने आप से क्या बातचीत करना है वो चीज समझना है दोस्तों। यहाँ पर आप तो समझ गए होंगे कि क्या होता है अपने आप से, हम मेरा मेन जो है कि मकसद क्या है कि डर को ठीक करना है, गोल बना लीजिए कि डर से आजाद होना है, डर मतलब जिस चीज से हमें डर लग रहा है उस चीज के डर से ऊपर उठना है, उस चीज के बारे में उससे ऊपर उठना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर जो कहानियां बनाए हुए हैं, अपने अंदर जो कहानी बनाए हुए हैं दोस्तों, उस कहानी को चेंज करना होगा, तब जाकर के आपके अंदर जो अपने आप से जो बातचीत करते, सबसे पहले तो इस कहानियां जो अपने अंदर जो कहानियां जो आप बनाए हुए हैं, मतलब माइंड के अंदर जो भी चीज है वो एक कहानी बना हुआ है जिसके कारण से आपको इमेज आता है, इस कहानी को चेंज करना, इस कहानी को चेंज करने के लिए पहले समझना होगा कि मेरे अंदर क्या कहानियां बना हुआ है माइंड के अंदर, ये जो माइंड के अंदर मेमोरी है ना, इस मेमोरी में क्या कहानी बना हुआ है, इसको जो है कि पहले आपको समझना पड़ेगा, पहले क्या कहानी को जो दूसरा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दोस्तों, समझना पड़ेगा, कौन सी समझना पड़ेगा, आपके अंदर जो जिस चीज से रिलेटेड डर लगा हुआ है ना, उस चीज को एक कॉपी कलम ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि अरे ये इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे ये थॉट आते हैं, मतलब मेरे माइंड में मेरे मेमोरी में ये कहानियां बनी हुई है, बस इसको समझना है, अकेले में ये चीज बातचीत करना है ना, कि मतलब कॉपी कलम ले लीजिए और कॉपी कलम पे लिखिए कि मतलब मेरे माइंड में मेरे ये मेमोरी में जो है कि जो मेमोरी में जो है कि आज तक जो चीज फिट होते हुए आया है ये कहानियां मेरे अंदर से आ रही है। देखिए कहानियां तो हम लोग जो है कि कहानियां ही तो माइंड में बनाए हुए हैं ना, कि क्या चीज ये इसको डस्टर हम लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं डस्टर इसलिए बोलते हैं कि इसकी कहानियां मेरे माइंड में बनी हुई कि ये डस्टर है, ये बोर्ड हम ब्लैक, ये इसको बोर्ड क्यों बोलते हैं, व्हाइट बोर्ड क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग, क्योंकि इसका एक कहानियां बना हुआ है, इसका जो एक मेमोरी फिट है कि ये बोर्ड है, ये लिखने का काम आता है। तो इसी तरह से जो है कि जिस चीज से आप डर रहे हैं उसका क्या कहानियां बना हुआ आपके माइंड में, वो कहानियां आप कॉपी पे लिखिए कि हाँ मेरे माइंड में जो चीज से डर लग रहा है ये कहानियां बना हुआ है। तो इस चीज के बारे में बात कीजिए अपने आप से अकेले में ना, अपने आप से ये चीज बात करना है कि अरे जो चीज से डर रहे हैं उसका कहानियां मेरे माइंड में क्या बना हुआ है, तो अपने आप से ये बात करना है।
तीसरा चीज आपको क्या करना है दोस्तों, अपने आप से बात करना है कि इस डर जो जिस ऑब्जेक्ट से मतलब जिस ऑब्जेक्ट से डर लग रहा है मतलब जिस वस्तु से डर लग रहा है आपको, उस वस्तु का क्या करना है दोस्तों ना, कहानियां जो है कि अपने अपने आप में माइंड में अलग कहानियां तैयार करना जो रियलिटी बेस पे है, जिसका कि जो रियलिटी काम है उसका कहानियां जो है कि अपने आप को माइंड को बताना है। बताना मतलब अपने आप से अकेले में बात करना, अपने आप से जो बोलते हैं जिस चीज से आपको डर लगता है वो चीज माइंड को दिखाना कि मतलब ये इसका ये रियलिटी है, उसका एक अलग कहानी बनाना, कहानी ही बनाना पड़ेगा दोस्तों आपको, तब जाकर के जो है कि ये डर आपका जो है कि दूर होने वाला है दोस्तों। तो गोल क्या टारगेट है कि डर को दूर करना है, डर को दूर करने के लिए आपको कहानियां चेंज करना होगा। कहानियां किसका चेंज करना होगा, जब आप अकेले में बैठे हुए रहते हैं चाहे अकेले में चिंताग्रस्त करते हैं तो ये नहीं सोचना है कि ये क्यों हो गया, आप सोचना है कि क्यों हो गया फिर जाइए हिम्मत, क्योंकि ये बात करेंगे क्यों हो गया तो हम कुछ ना कुछ अलग चले जाएंगे। अब क्या करना है जिससे कि हमें ये बीमारी हुई है, ये जो हमें डर लग रहा है क्या चेंज कर सकते हैं, तो अपने आप में ये करना है, अपने आप में जब भी बात करना है तो ये इस ये क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए कि अब हम क्या कर सकते हैं जिसके कारण से ये ओसीडी ठीक हो सकती है मेरी। तो उसके लिए जो है कि अपने आप के अंदर जो है कि ना कहानियां बनाना है, अपने अंदर जो जिस चीज से रिलेटेड डर लगा हुआ है उस चीज का जो सबसे पहले कहानी लिखिए, ओ मेरे माइंड में ये कहानी आ रहा है, कहानी एक तरफ जो है कि जो कहानी आपको आ रहा है जिससे डर लग रहा है, एक तरफ जो है आपको जिस चीज से डर लग रहा है वो कहानियां को आप लिख लीजिए, एक तरफ से जो सच्चाई कहानी है, नहीं होता है अगर किसी का हेल्प ले लीजिए, किसी दूसरे से पूछ लीजिए कि ये हमारे क्या काम का है, मतलब जो जिस चीज से आपको डर लग रहा है उसका क्या रियलिटी है, बस उसको जो है कि लिखिए और अपने माइंड में एक कहानियां बनाइए। इस कहानी जो आप न्यू कहानी बनाएंगे मतलब जो न्यू कहानी बनाएंगे उसके बारे में जो रियलिटी बेस पर है, उस कहानियां को जो है मानते चले जाइए और इस कहानियां को जो है धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए। देखिएगा दोस्तों आपके अंदर जो जब ये काम अपने आप से जब अकेले में रहेंगे बातचीत करना चालू करेंगे, अच्छा बातचीत करना चालू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपका ओसीडी भी ठीक होगा। तो इसी तरह से जो है कि अपने आप में अकेले में बात कीजिए, हिम्मत बढ़ाने वाली बात कीजिए, डर से आजाद होने वाली बात कीजिए कि अपने डर से कैसे आजाद हुए इस चीज के बारे में, क्या करना है इस पे बात कीजिए, क्यों हो गया इस पे बात मत कीजिए, क्योंकि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है दोस्तों। सिचुएशन अगर बदलना है तो आपको एक्शन बदलना होगा, एक्शन बदलेगा तो आपका सिचुएशन कोई भी आ सकती है, तो डर डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा। बस सिचुएशन को बदलने के लिए सिर्फ आपको अपने नजर को बदलना है, और यहाँ पर जो है नजर बदलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, हम तो बस बता सकते हैं लेकिन करना आपको पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है कि डॉक्टर तो आपका जो है कि नजर का मतलब जो देख रहे हैं उसका नजर का इलाज कर सकता है, लेकिन नजरिया का इलाज कोई नहीं कर सकता है दोस्तों, नजरिया आपको ही चेंज करना पड़ेगा। नजरिया जो है कि वो चेंज करने के लिए हम थोड़ी सी हम आपको हेल्प कर सकते हैं लेकिन करना आपको पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, अपने आप में जो है कि अकेले कैसे बात करना है वो भी थोड़ा जाने होंगे, जहां तक मुझे समझ में आया मैंने अपने आपको आपके सामने अपने बात रखने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे दिए गए नंबर पे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।